अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएन साइंस एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर 10 है और आज हम देखने लगे हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप गूगल क्रोम पे जाके यूट्यूब को ओपन करें और वहाँ से हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए सी लैंग्वेज के जितने भी कंटेंट है वो आपको आप तक पहुंच जाएगा और आप इजीली उसको लर्न कर सकेंगे। हमने तरतीब से तमाम तर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसको फॉलो करें और शेयर करें। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल नेमिंग रूल। दोस्तों, वेरिएबल नेमिंग रूल में अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, बल्कि हम डेव सी प्लस पर ही चले जाते हैं। डेव सी प्लस को ओपन कर लिया मैंने, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसको मैं सेव कर लूँगा, सेव एज। इसको मैं नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में न्यू फोल्डर कह देता हूँ डेव। डेव के नाम से फोल्डर बना दिया, इसको ओपन करके इसको मैं लेक्चर 10 का नाम दे देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं क्या क्या। दोस्तों, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह सी लैंग्वेज हमारे पास सिंटैक्स एक रूल है, इसी तरह हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल नेमिंग रूल है, जिस रूल के तहत हम वेरिएबल्स को नेम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला रूल क्या है, मैं इनको तरतीब वाइज भी लिखूँगा, फिर साथ साथ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। फर्स्ट रूल ये है कि All the अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज एज वेरिएबल नेमिंग रूल। हमारे पास तमाम तर जो अपर केस लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए से लेके हमारे पास जेड तक, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। ए से जेड तक हो गया एंड, और दूसरा हमारे पास स्मॉल ए बी सी से लेके स्मॉल जेड तक, हम इनको अपने वेरिएबल नेमिंग रूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आ सकता है नंबर्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेमिंग रूल विद अल्फाबेट्स। हम अल्फ़ाबेट्स के अंदर नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ जो है इनकी एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये इसकी एग्जांपल क्या बनती है हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे आई ई लिख दूंगा। इसकी एग्जांपल क्या बनती है, इसकी एग्जाम्पल बनती है मैं वेरिएबल का नेम बना रहा हूँ सम, तो ये सम मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह सम आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास कोई भी नेम हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा, इस एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा, हम लिख सकते हैं सम वन, या हम लिख सकते हैं वन सम। सही है, ये वैलिड वेरिएबल नेमिंग रूल्स है। तीसरा पॉइंट है स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं करूं कि सम इज हेयर, अब मैं पूरा नाम बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, उसमें स्पेस आ रही है, ये स्पेस हम नहीं लिख सकते। मुझे इसको या तो इस तरह लिखना पड़ेगा, सही है, या इसके और तरीके हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही हो गया। फोर्थ वर्क है, फोर्थ वाला अभी हम मसला हल कर देते हैं। अंडरस्कोर is used as space in variable naming. हम underscore को as a space इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, मैं भी आपको example देता हूँ। हाँ, कि मैं इसको लिखता हूँ sum is here। ये सारे के सारे अभी मैं आपको कुछ run करके भी दिखाऊंगा। आई डॉट ई आ गई, मैं इसको थोड़ा सा modify कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपर केस में चला गया, आई डॉट ई आ गया, सही हो गया। फिफ्थ रूल ये है हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स
cannot be used as variable name. स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स होते हैं एट द रेट, हैश, ये सारे करेक्टर्स हम वेरिएबल नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेम बनाता हूँ सम परसेंटेज, तो ये हमारे पास रॉन्ग है. सही, ये हमारे पास क्या है? रॉन्ग है. ताकि मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि आपको ईजी हो बात अंडरस्टैंड करने के लिए. फिफ्थ रूल ये है कि हमें लिखना है नंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड एट फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो नंबर्स हैं उनको एज अ फर्स्ट लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि जैसे मैंने ऊपर एक लिखा था ये, अभी ये चीज़ मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल सी करके, तो ये हमारे पास क्या है? रॉन्ग है. हम इनको स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऊपर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि इसका एक अलग रूल था हमारे पास. सही हो गया, हम इसको स्टार्ट में नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते. और जो लास्ट रूल है हमारा वो ये है कि हम रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम. रिजर्व वर्ड्स क्या है हमारे पास? सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेशल पर्पस वर्ड्स हैं. जिस तरह हमारे पास एक वर्ड है वॉइड, इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है रिटर्न, इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है एल्फ, इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है एल्स. तो इन सब को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये सारे हमारे पास रॉन्ग होंगे अगर हमने इनको एज वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया और हमारे पास एरर आएगा. रिजर्व वर्ड्स को हम एज वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते. रिजर्व वर्ड्स होते क्या है? अगर मैं गूगल क्रोम में जाऊँ और यहाँ से जाकर सर्च करूँ, मैं यहाँ लिखूँ रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज और मैंने इसको सर्च कर दिया. आप देखिए हमारे पास एक कुछ आए हैं कॉन्स्टेंट, फॉर, साइन, साइज ऑफ, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके एक स्पेशल पर्पस है लैंग्वेज के अंदर और हम इनको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते. सही हो गया, वापस आते हैं. और जो लास्ट वाला हमारा रूल है वो ये है कि सम इज डिफरेंट फ्रॉम सम एंड सम. कहते हैं ये जो सम है ये इन सब से अलग होगा. कैसे? मैं समझ देता हूँ. अगर मैंने एक वेरिएबल नेम बना दिया सम, इसको मैं दोबारा कहीं और पे एज अ सम डिवाइन करूंगा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सही, ऐसा मैं दो नहीं बना सकता. लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो तब ये एज अ सेपरेट वेरिएबल नेम कंसीडर किया जाएगा. अगर मैं इसको यूं कर दूं यू सम, या एक सीक्वेंस में एक करेक्टर भी अगर चेंज हो जाता है ना, तो वो हमारा वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ये हमारे पास अब तीन वेरिएबल नेम्स हैं. अगर मैं इसको यहाँ पे आगे जाके सम करूँ ना यूं, तो मेरा इससे बिल्कुल सेम हो गया, इसलिए हमारे पास यहाँ एरर आएगा. सही हो गया, ये हमारे पास कुछ वेरिएबल नेम रूल्स थे जिनके जरिए हम अपने वेरिएबल्स के नेम बनाते हैं और उनके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी जो प्ले लिस्ट है उसको फॉलो करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आप तक बआसानी पहुँच सकें. थैंक यू.